Hey, hello my dear students, how are you all? I hope from you, you are very very well, happy and safe at your home. Don't worry about your study because I am here to cooperate you always and guide you always. I am your English teacher, this is your exercise MCQ question. So let's start. Check the correct option to complete the statement given below. यह आपका आगरा क्रो चैप्टर है जो हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे उसी के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं. द एम्परर वांटेड टू नो नंबर ऑफ क्रोज इन आगरा बिकॉज ऑप्शन नंबर वन ही वाज कंडक्टिंग अ सर्वे इन द सिटी. ऑप्शन नंबर सेकंड ही वांटेड टू टेस्ट हिज क्वार्टियर विजडम टू आंसर एन इम्पॉसिबल क्वेश्चन. ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड आंसर करेक्ट है, टिक भी लगा हुआ है, आप अपने नोटबुक अपने बुक में फिल कर सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड. बीरबल सेट देयर देयर एग्जैक्टली 10,666 क्रोज इन ऑल ऑफ आगरा बिकॉज ही हैड काउंटेड द नंबर ऑफ क्रोज इन आगरा. कि उसने कभी गिने थे आगरा के क्रोज या ही न्यू इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर एवरी वन टू काउंट द नंबर ऑफ क्रोज इन अ सिटी एंड सो ही सेट अ रेंडम नंबर. क्योंकि वो जानता था कि ये इम्पॉसिबल है पूरी जो किंगडम के क्रो हैं उन्हें गिन पाना, इसलिए उसने तुरंत ही रेंडम नंबर बोल दिया. ठीक है, उसके बाद बेटा Emperor started laughing at Birbal's explanation because option number one, he knew that Birbal had outwitted him. Option number second, he found Birbal's answer very funny. क्योंकि वो जानते थे कि बीरबल बहुत समझदार है, इसलिए वो हंस रहे थे. ठीक है, next. ठीक है, तो चलते हैं next question की तरफ. मैसेज वी गेट फ्रॉम द स्टोरी इज दैट, इस स्टोरी से हमें क्या मैसेज मिलता है कि ऑप्शन नंबर वन, इफ वन यूजेस लॉजिक एंड वेट वन कैन कम आउट ऑफ एनी इम्पॉसिबल सिचुएशन. ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द टोटल नंबर ऑफ क्रोज इन अ सिटी. तो ये आपका फर्स्ट आंसर है कि इफ वन यूजेस लॉजिक एंड वेट वन कैन कम आउट ऑफ एनी इम्पॉसिबल सिचुएशन. ठीक है, अगर समझदारी और लॉजिक होगा तो हर इम्पॉसिबल सिचुएशन का आंसर हम निकाल लेंगे. ठीक है, तो ये आपका हो गया एमसीक्यू क्वेश्चन. अब हम आते हैं सेकंड एक्सरसाइज पर. ये फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द टेबल. तो यहाँ पर इसको फिल करना है, ये करना तो आपको खुद से ही था बट मैंने सोचा चलो एक थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, बाकी आप खुद से करेंगे. अकबर वॉज अ डैश किंग जस्ट किंग. वन डे अकबर वॉज सिटिंग इन हिज कोर्ट विद हिज कर्टियर एंड नोबल्स. अकबर वॉन्टेड टू नो हाउ मैनी क्रोज वर देयर इन आगरा टू टेस्ट हिज मिनिस्टर्स विजडम. ओके, तो बच्चों ये इसके आगे आप लोगों को खुद से करना है, आप ये पूरा खुद से करिए. इस जो टेबल है मैंने कुछ यहाँ पर मैंने सारे फिल कर दिए हैं बट टेबल की हेल्प से आप खुद करिए. ठीक है, और इसको करके मेरे को सेंड करिए. गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर ऑल ऑफ यू. वन मिनट, हाँ चलो मैं करा ही देती हूँ. अकबर्स क्वेश्चन मेड सम कर्टियर एनेक्सियस बट बीरबल वॉज काम. ओके, बीरबल वॉज सर्टेन देयर वर एग्जैक्टली 10,666 क्रोज इन आगरा. इन द एंड अकबर एक्सक्लेम्ड दैट नो वन वॉज एज क्लेवर एज बीरबल. लास्ट में अकबर ने इस तरह से एक्सप्लेन किया कि बीरबल से ज्यादा समझदार कोई भी नहीं है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू. Hey, hello student, this is your MCQ questions. So let's start. You have to watch this video and then you have to fill it in book. Okay, so take the correct options to complete following sentences.
Gumaya didn't run away when he heard the creepy sounds because the clever jackal. हम लोग चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसकी एमसीक्यू क्वेश्चन है. ओके ऑप्शन ही वॉज टू स्केयर टू मूव. ऑप्शन नंबर सेकेंड दिस वॉज हिज होम एंड ही वॉज नॉट गोइंग टू रन अवे विदाउट नोइंग हु वॉज मेकिंग साउंड. He was strong and could not fight any beast that would attack him. तो बेटा यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर. विच द साउंड्स दैट कुमाया हियर्ड वर. ऑप्शन नंबर वन मेड बाय अ वाइल्ड बीस्ट. ऑप्शन नंबर सेकेंड मेड बाय सोल्जर्स हु फॉट ऑन द बैटलफील्ड. ऑप्शन नंबर थर्ड मेड फ्रॉम अ ड्रम दैट वॉज लेफ्ट ऑन द बैटलफील्ड. तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट होगा यहाँ पर. इसके आगे बच्चों स्टेट इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. अगर फॉल्स है तो फॉल्स एंड ट्रू है तो आपको ट्रू लिखना होगा. ठीक है तो गुमाया हैड मैनी फ्रेंड्स फॉल्स. गुमाया वॉज अ फॉक्स फॉल्स. गुमाया वेंट लुकिंग फॉर फूड ट्रू. गुमाया हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेस व्हेन ही रीच्ड द लेक फॉल्स. द साउंड वर मेड बाय अ ड्रम ट्रू. नंबर द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टोरी. ये जो एक्सरसाइज है ये आप खुद से कर सकते हैं. आपको सारी लाइन्स पहले केयरफुली पढ़नी होगी और उसके बाद आपको उस लाइन को टिक आउट करना होगा उस चैप्टर के अंदर से कि सीरियल क्या बनता है. जैसे कि वैन पहला सीरियल आएगा हाउ एवर ही थॉट ही मस्ट बी ब्रेव एंड फाइंड आउट हु इज मेकिंग द साउंड्स. ओके ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपको मिलेगा आपकी स्टोरी में. उसके बाद आपको फिर समझ में आएगा गुमाया फाउंड फूड दैट वुड लास्ट हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम. फिर आपको मिलेगा व्हेन ही रेस्ट इन ओपन फील्ड ही हियर्ड स्ट्रेंज साउंड्स. ठीक है देन ही रियलाइज्ड दैट व्हेन द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू एंड क्रीपर्स रब्ड अगेंस्ट द ड्रम एंड मेड द साउंड्स. वन डे गुमाया वेंट सर्चिंग फॉर फूड. इस तरीके से पूरा ये पैरा हो जाएगा. लास्ट आपका जो है स्टेटमेंट गुमाया गॉट स्केयर्ड एंड वांटेड टू रन अवे. इस तरीके से आपके मैंने नंबर्स तो नहीं लेकिन लाइंस बताई हैं और नंबर आप खुद लिख लीजिए. ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. यू हैव टू फिल इट एंड सेंड मी क्विकली. आई एम वेटिंग. गुड बाय.